डियर इन्फिनिक्स स्टॉप डूइंग शिटी थिंग्स। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि तलहा ये क्या बोल रहा है, सो लिसन टू मी। हाय पतलू, हेलो पतलू। हां ऐसा नहीं होना पूरा। ओके अपार्ट साइड ऑफ जोक, अ थिंग विच आई वाना क्लियर टू यू गाइज के भाई मैं इन्फिनिक्स के खिलाफ नहीं हूँ, ये एक शॉर्ट सा डिस्क्लेमर है। मैंने तो जब अपना यूट्यूब कैरियर फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो वो फोन मेरे पास जो था वो इन्फिनिक्स का ही एक फोन था, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मैंने क्लियर करनी है। बट वीडियो में आगे जाने से पहले आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। यार मैं पिछले सात दिन से गायब था बट नाउ फाइनली आई एम बैक, तो वीडियो अच्छी लगे सिर्फ 500 लाइक्स, आई होप कि आप रोजाना की तरह कंप्लीट कर दोगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाके ऑल पे क्लिक कर दो ताकि जैसी कोई ऐसी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बात करते हैं स्मार्टफोन को लेकर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो इनका फोन कल ही पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल हुआ है इन्फिनिक्स होट 12। अब ये जो स्मार्टफोन है ईद के दो दिन पहले ही मार्केट में आ चुका था। मैं घर से पैसे लेकर मार्केट गया लेकिन वहां पर जब मैं गया और मेरा फिर भी दिल किया मैं वापस आ गया घूम फिर के। सो इस फोन की अगर बात की जाए 27,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ है इन्फिनिक्स होट 12 और अगर स्पेक्स को देखो तो टोटली एक डाउनग्रेडेड फोन है अगर आप इसको कंपेयर करते हो इन्फिनिक्स होट 11 एस से। यस यहां पर आपको एक 720p वाला एक डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी बैक विद कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है, मीडियाटेक का हेलियो G85, उसके बाद में यहां पर आपको जायरो आई थिंक सॉफ्टवेयर बेस देखने को मिलता है, 5000 mAh बैटरी, 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग और पुराना डिजाइन। यही कुछ है भैया एक स्मार्टफोन, दैट मींस कि ये जो स्मार्टफोन है ये टोटली बेकार स्मार्टफोन है भाई, सिंपल है। बाकी आप लोग ज्यादा बेहतर जज करते हैं, अगर आपको अपने पैसे जाया करने का शौक है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, बट इन माई ओपिनियन ये एक बेकार डिवाइस है, इसका कोई फायदा नहीं है। आपको तकरीबन 23,500-24,000 में इन्फिनिक्स होट 11S मिलता है, उसमें भी आपको जायरो हार्डवेयर नहीं मिलता बट उसमें फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, G88 के साथ आ रहा है 50 megapixels, और इसके जो कैमरा है ना होट 12 के गंदे भद्दे तरीन कैमरा आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। देखो 27,000 एक बेसिक बजट है पाकिस्तान की मार्केट में, जितने भी लोग स्मार्टफोन परचेज करते हैं या तो 25 से 30,000 में ज्यादा से ज्यादा फोन परचेज किए जाते हैं। तो अगर आपने भी यूट्यूब पर वीडियोज देखनी है इस फोन के बारे में तो अगर आपका माइंड सेट बन रहा है कि भाई आपने इन्फिनिक्स होट 12 लेना है तो आप इसकी तरफ मत जाएं। और यहीं पर आपको एक और फोन भी मिल जाता है, इन्हीं का फोन है, वो है इन्फिनिक्स नोट 11, उसकी तरफ चलता हूं, उसके बारे में भी कुछ काफी ज्यादा ना शिकायत आई है। तो अगर इसकी बात करूं आप लेने की सोच रहे हो भाई ये डिवाइस आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप किसी और फोन की तरफ चले जाएं। अगर आप इन्फिनिक्स नोट 11 के बारे में सोचते हैं तो नोट 11 में आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 3-4 साल पुराना है और एमोलेड की बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। जब ये फोन लॉन्च हुआ था मैंने भी बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर बनाई, मैंने आपको बेस्ट डील में बताया कि काफी अच्छी डिवाइस आप इसकी तरफ जा सकते हैं, बहुत सारे लाइक ये फोन जो है वो काफी ज्यादा सेलिंग फोन रहा पाकिस्तान की मार्केट में। बट हुआ पता क्या है कि इसका जो डिस्प्ले है उसमें टिंट आ जाता है और इसकी जो लाइक पबजी अगर आप खेल रहे हैं तो पबजी में ये जो है वो स्टक हो जाता है। अभी यहाँ पर ये वीडियो मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे भेजी थी, आई डोंट नो कि अब मैं यहाँ पर ऐड कर सकूँ बिकॉज इतने सारे DM हैं तो वहाँ पर मैं कैसे ढूंढूंगा। बट अगर आप में से कोई यूज कर रहा है, आपका जो भी एक्सपीरियंस आपके डिस्प्ले में जो मसले आ रहे हैं, अगर आप इन्फिनिक्स नोट 11 के यूजर हैं तो काइंडली यार अपना जो फीडबैक है वो कमेंट्स में शेयर करें। सो डिस्प्ले जो है वो इनका सिर्फ एक नाम का ही एमोलेड डिस्प्ले है, लोगों को बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं। देखो भाई आप पबजी खेल रहे हो, पबजी में आपको पता बंदा ना उस वक्त काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है जब आप किसी के साथ रूम खेल रहे हैं पबजी खेल रहे हैं और आपका फोन स्टक हो जाए और आपकी पेटी बन जाए, तो ये चीजें आप रिलेट कर सकते हैं। तो आप में से जो भी यूज कर रहा है मुझे कमेंट्स में बताओ। और इनका जो एक लास्ट फोन था नोट 10 प्रो जिसको कि मैंने भी काफी यूज कर रखा था, उसके डिस्प्ले में ही सेम मसला था, लाइक डिस्प्ले ये बड़े हल्के फुल्के यूज करते हैं तो इस चीज पे इनको फोकस करना चाहिए। देखो आप कितनी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में तो आप कितने ज्यादा यूजर्स हैं, लेकिन ये यकीन तो ना करें आप लोग। तो इस चीज के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि भाई डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी का यूज करें। अब मुझे पता है कि इन्फिनिक्स के कुछ फैंस या यूजर जो भी लोग हैं, अगर आपके फोन के साथ ये मसला नहीं आ रहा है इट्स ओके, फोन अच्छे हैं इनके, ये बात नहीं है, मैं सिर्फ वो चीजें शेयर कर रहा हूँ जो कि लोगों के साथ हो रही है। मैं इन्फिनिक्स के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा कोई मसला नहीं है, बट जो चीजें हैं वो क्लियर करनी चाहिए। उसके बाद में ये लोग जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं देते जो कि सबसे बड़ी चीज है। बहुत सारे मुझे DMs आ रहे होते हैं इंस्टा पे कि भाई मेरे फोन में जो है वो अपडेट कब आएगी एंड्रॉइड 12 की, तो यार इस चीज पे गौर करें अपने सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर बड़ा ही ना थका सा सॉफ्टवेयर है इनका बट पहले से इंप्रूव किया है, तो एंड्रॉइड 12 की अपडेट देनी जरूरी है यार, अपडेट तो साथ साथ दें, आप पैसे ले रहे हैं बट ये काम नहीं कर रहे। तो इस मामले में भी इन्फिनिक्स को बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। देखो डिस्प्ले वाला सीन तो काफी ज्यादा एक बड़ा इशू है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। अच्छा मेरे अपने ही दोस्त, मेरा एक यूट्यूबर दोस्त टॉक विद चन्ना के नाम से चैनल है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप एक ग्रुप में पर्सनल मैसेज किया, हमारा जो ग्रुप है जिसमें हम बातचीत करते हैं वहां पर भी सेम सीन हुआ। उन्होंने मुझे बताया जी दोस्त को मैंने इन्फिनिक्स नोट 11 देख दिया बिकॉज यूट्यूबर है, तो उन्होंने बताया कि अच्छी डिवाइस आप जा सकते हैं बट उनके साथ भी जो है वो डिस्प्लेस के काफी मसले हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जी अपना फीडबैक दें कमेंट्स में जरा। तो ये डिस्प्ले का सीन बहुत बुरा है नोट 11 में, और अभी ये जो फोन आया आप देखें 27,000 में 720p वाला डिस्प्ले,
तो हो 12 भी एक बेकार डिवाइस है, बाकी सॉफ्टवेयर के ऊपर इनको काम करना चाहिए और अच्छी से अच्छी वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस लॉन्च करें। ऐसा नहीं है कि इन्फिनिक्स अच्छा काम नहीं करता, बट कुछ फीडबैक, कुछ चीजें हैं जो कि इनको बताना या फिर जो आवाम के साथ हो रहा है वो रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो इसीलिए ये मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है। बाकी आप इन्फिनिक्स का कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आप अपनी प्रॉब्लम बताएं कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, ताकि एज ए फीडबैक इनको भेजा जाए, बताया जाए कि भाई ये चीजें नहीं करें और इनको सॉल्व किया जाए। भाई आप पैसे दे रहे हैं एक चीज के 30,000 रुपए 40,000 एक फोन पे स्पेंड कर रहे हैं। बाकी इस फोन को मैंने कवर नहीं कर रखा हो 12 को, बट आप रिहान ऑनलाइन टीवी चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा, दोस्त ये भाई अपना, तो उसने सारी चीजें क्लियर करके बताई हैं ज्यादातर, वरना यूट्यूब पे आपको जो है वो तारीफें ही मिलेंगी देखने को कि वैल्यू फॉर मनी फलाना ढिमकाना ये वो, बट नहीं ऐसी चीज नहीं। और पबजी में बहुत ही ज्यादा भद्दा फोन है ये, तो आप इसकी तरफ नहीं जाए। ये एक छोटी सी फीडबैक वीडियो थी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अब आप अगर कुछ मुझे बोलना चाहते हैं कि यार ऐसा नहीं ऐसा था, या फिर आपने कुछ गलत बोल दिया या जो भी है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करना। आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है, यही थी आज की एक शॉर्ट सी वीडियो। अगर अच्छी लगी आप लाइक करके जा सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, तब तक के लिए बाय।